ओम शांति। आज की तारीख है 13/3/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे याद में रहते रहते ये कलयुगी रात पूरी हो जाएगी। तुम बाप के पास चले जाएंगे फिर आएंगे तुम दिन में, ये भी वंडरफुल यात्रा है। प्रश्न है, तुम बच्चों को स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों है? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो कि जब हम स्वर्ग में जाएं तब बाकी सब आत्माओं का कल्याण हो, सब अपने शांति धाम घर में जा सके। तुम्हें कोई स्वर्ग में जाने का लोभ नहीं है, लेकिन तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, इतनी मेहनत करते हो तो जरूर उस स्वर्ग के मालिक भी बनेंगे। बाकी तुम्हें कोई दूसरी इच्छा नहीं है। मनुष्यों को तो इच्छा रहती है हमें भगवान का साक्षात्कार हो, लेकिन वह तो तुम्हें स्वयं पढ़ा रहे हैं, तो हमें तो वह भी इच्छा नहीं। गीत बजा है रात तेरा ही, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना। धारणा के लिए मुख्य धारणा के दो बिंदु। नंबर एक, बाप जो इतनी सर्विस करते हैं, हमें इतना ऊंच देवता बनाते हैं, ऐसे बाप से दिल का सच्चा लव रखना है और देवताओं के समान सभी को सुख देना है। नंबर दो, एक बाप की सदा महिमा करनी है और अपनी बढ़ाई नहीं दिखानी है। वरदान सतगुरु शिव परमात्मा पिता का सेवा का पाठ बजाते पार्ट से न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले सहज योगी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि कभी कभी योग नहीं लगता, कभी लगता है। इसका कारण है न्यारेपन की कमी। न्यारे न होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता और जहाँ प्यार नहीं वहाँ याद नहीं। जितना ज्यादा प्यार उतनी सहज याद, इसलिए संबंध के आधार पर पाठ नहीं बजाओ। सुना सभी ने, संबंध के आधार पर पाठ नहीं बजाओ, सेवा के संबंध से पाठ बजाओ तो न्यारे रहेंगे। कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, ज्ञानी वह है जो कारण शब्द को मर्ज कर हर बात का निवारण कर दे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।